ಕಲ್ಯಾಣ ಅದ್ಭುತ ಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಹರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇಶ ಅಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ನೀಲಕಂಠ ನಮೋಸ್ತುತೆ. हम कर्नाटक प्रांत से उडुपी क्षेत्र से श्री कृष्ण का सन्निधान से यहाँ आए हैं. अब आज सब भक्तजनों के लिए भगवान कृष्ण का अनुग्रह का प्रार्थना करते हैं. आज यहाँ जो कोटि दीपोत्सव का कार्यक्रम कालहस्तीश्वर का कल्याण महोत्सव यहाँ संपन्न हो गया. यहाँ भाग्यनगर का भाग्य है, हमारा भी भाग्य है. ऐसा कार्यक्रम का उत्सव का देखने का हमारा भी भाग्य है, भाग्यनगर के भी भाग्य है. ऐसी अभी कोटि दीपोत्सव का जो उत्सव अब सब मनाते ही यहाँ जागरण का संदेश है. हम सब भगवान निद्रित हैं, भगवान का निद्रा से उत्थान, भगवान का जागरण. उत्थान द्वादशी में, तुलसी द्वादशी में भगवान का उत्थान ही वस्तुतः भगवान का निद्रा ही नहीं है, यानी कभी निद्रित नहीं. इसका उत्थान की आवश्यकता नहीं. भगवान निद्रित होने भर भी जागृत है, निद्रा का काल में भी भगवान जागृत है. हम जागृत का समय में भी हम निद्रित हैं, जागरण का समय में भी हम सब निद्रित हैं. ऐसी भगवान को निद्रा उत्थान की आवश्यकता नहीं, हमारा उत्थान आवश्यकता है, आवश्यक है. हम सब लोग निद्रित हैं, हमारा कार्य से भ्रष्ट है, हमारा कर्तव्य किसी लुप्त है. हमारा उत्थान के लिए यहाँ जागरण उत्सव दीपोत्सव बनकर हमारा अज्ञान का अंधार का नाश करके हम उत्थित हो, जागृत हो. ऐसा जागरण का उत्सव है या कोटि दीपोत्सव. हम सब हमारा अपना आलस्य को छोड़कर उत्साही होकर भगवान के लिए, देश के लिए हमारा जो कर्तव्य ही कर्तव्य करने का उद्बोधन इसी जागरण उत्सव से हम प्राप्त हो सकता है सकते. अब सब लोगों के हमारी शुभकामना है. अब सब उत्थित होकर बहुत कार्य, देश की परिस्थिति, लोगों की परिस्थिति और धर्म का लोप, भक्ति का लोप सब नष्ट होकर हम जागृत होकर अपना कर्तव्य में उत्साह से लगे होना. इसी संदेश इसी दीपोत्सव से हम प्राप्त हो सकते हैं. दीपोत्सव का संदेश दीप ज्ञान दीप. हमारा अंतकर में अंतरंग में अंधकार है. अंधकार का नष्ट करने के लिए दीप की आवश्यकता है. दीप के लिए एक प्रणति भी अवश्य है. केवल प्रणति में दीपक का प्रज्वलन नहीं हो सकता है. एक वर्ती हमारा अंतकरण ही वर्ती है. इसी वर्ती ही में ज्ञान दीपक का प्रज्वलन होना है. इसके लिए घृत तैल की आवश्यकता है. तैल क्या है, घृत क्या है, भक्ति. भक्ति घृत से हमारा जो मन प्रणति मन वर्ति हृदय की प्रणति में मन की वर्ति में भक्ति का संयोजन होने से अंतकरण में ज्ञान दीप का प्रज्वलन हो जाता है. यह कोटि दीपोत्सव का संकेत ही. कोटि दीपोत्सव का संकेत प्रत्येक हमारा व्यक्तियों में उत्तम ज्ञान
भगवान का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, ज्ञान का प्रबोधन हो, यह कोटि दीपोत्सव का महान संदेश है। हम आगे नरेंद्र चौधरी ने प्रतिवत्सर ऐसा महोत्सव ज्ञान दीपोत्सव का आयोजन करते अग्र नगर में विशेष रूप से प्रबोधन किया। इसके लिए नरेंद्र चौधरी को हम अभिनंदन करते ही इसी कार्य से लोगों का, हैदराबाद का लोगों का, तेलंगाना का लोगों और समग्र आंध्र लोगों का, समग्र भारतीय लोगों का कर्तव्य प्रबोधन हो, ज्ञान दीप प्रज्वलित हो, सब लोगों का शुभ हो, कल्याण हो, ऐसा भगवान से, श्री कृष्ण से, श्री वेंकटेश से, कालहस्तीश्वर से हम सब लोगों के लिए, देश के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करके हमारा संदेश को समाप्त